नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर के चर्चित निमगढ़े और मनीष श्रीवास हत्याकांड में भी मुख्य सूत्रधार के रूप में रंजीत सफलवार का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही क्राइम ब्रांच और सीबीआई की टीम ने तड़जोड़ चालू कर दी थी। अब 28 अप्रैल को क्राइम ब्रांच ने सोनू अन्ना को गिरफ्तार किया। वह रंजीत सफलवार टोली का सदस्य था। क्राइम ब्रांच को जांच करते वक्त सोनू की मनीष श्रीवास हत्याकांड में अहम भूमिका होने का पता चला। इसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर मगोगा के तहत कार्रवाई की गई। सोनू का ग्रामीण पुलिस में दबदबा था। उसका कनाल और रामटेक मार्ग पर बार और रिजॉर्ट है। यह ग्रामीण पुलिस की मदद से अवैध तरीके की गतिविधियां चलाई जाती थी। सोनू सफेल करके कई अपराध में लिप्त था, लेकिन पुलिस और नेताओं से चलते उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जानकारी के अनुसार इस प्रकरण की जांच में एपीआई तथा चार कर्मी सोनू से जुड़े होने का पता चला। इसके बाद कर्मचारी मृदल नागरे, विनोद सोनटक्के, अभिषेक हरदास, विजय यादव का मुख्यालय तबादला कर दिया गया। एपीआई ओम प्रकाश भलावी का पहले ही तबादला होने के कारण उसे क्राइम ब्रांच से कार्यमुक्त करके रवाना कर दिया।